আজি ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ভাৰতত নিৰ্মিত প্ৰথমখন বিমান বাহক বিক্ৰান। আমি পুনপটীয়াকৈ গৈছো অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোচিত ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীক প্ৰদান কৰে বিক্ৰান। আইএনএছ বিক্ৰান্ত দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত প্ৰথমখন যুদ্ধ হৈছে। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी साल 2014 तक हमारे यहां जितनी पोर्ट कैपेसिटी बनाई गई थी पिछले 8 वर्षों में उतनी ही नई जोड़ी गई है। मैंगलोर पोर्ट में जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई सुविधाएं जोड़ी गई है, इससे इसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ने वाला है। आज गैस और लिक्विड कार्गो के स्टोरेज से जुड़े जिन 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां किया गया है, उनसे कर्नाटका और देश का बहुत लाभ होने वाला है। इससे खाद्य तेल की, एलपीजी गैस की, बिटुमिन की इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी। साथियों, अमृत काल में भारत ग्रीन ग्रोथ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब ये नए अवसर है। यहां की रिफाइनरी में जो नई सुविधाएं आज जुड़ी हैं, वे भी हमारी इन्हीं प्राथमिकताओं को दर्शाती है। आज हमारी रिफाइनरी नदी के पानी पर निर्भर है। डीसेलिनेशन प्लांट से रिफाइनरी की नदी के पानी पर निर्भरता कम हो जाएगी। भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को जिस प्रकार देश ने प्राथमिकता बनाया है, उसका बहुत अधिक लाभ कर्नाटका को मिला है। कर्नाटका सागरमाला योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। कर्नाटका में सिर्फ नेशनल हाईवे के क्षेत्र में ही पिछले 8 वर्षों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। इतना ही नहीं, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु मैसूर रोड हाईवे की 6 लेनिंग, बेंगलुरु से पुणे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। रेलवे में तो 2014 से पहले की तुलना में कर्नाटका के बजट में 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रेल लाइनों के चौड़ीकरण में भी बीते 8 सालों में 4 गुना से अधिक गति से काम हुआ है। कर्नाटका में रेल लाइनों के बिजलीकरण का तो बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 8 वर्षों में पूरा किया गया है। साथियों, आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर इतना फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि यही डेवलप भारत के निर्माण का मार्ग है।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, उस सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है। अमृतकाल में हमारे बड़े संकल्पों की सिद्धि का रास्ता भी यही है। देश के तेज विकास के लिए ये भी बहुत आवश्यक है।